हेलो भाई लोग, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। ठीक होंगे क्या? आज तो ठीक नहीं होंगे कोई। हमको नहीं लगता कि कोई ठीक होंगे भाई आप लोग, है ना? बहुत ही बुरा लगा है भाई, सही बोलते हैं, मतलब कि बहुत ही बुरा लगा है। खैर, आज इंडिया हार गया इंग्लैंड से, एक विकेट भी जो है नहीं ले पाया। क्या ही बताएं, बड़ा दुख होता है ये सब मैच देख के, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। क्या ही बताएं आपको, अब हम बता नहीं सकते कुछ। मतलब आज शुरू से लेकर अंत तक जो मैच देखे हैं, सोचे कि जो मतलब जाएगा पाकिस्तान के साथ, हम लोग लड़ेंगे, पूरा मज़ा आएगा, फिर पाकिस्तान को हराएंगे, ये सपना सपना ही रह गया भाई। पता नहीं, पाकिस्तान 6 अंक लेके फाइनल खेलेगा, हम लोग 8 अंक लेके घर वापस आएंगे। फिर कोई बात नहीं है, ये सब अपना जगह पे है, खेलता हम लोग भूल गए। ठीक है, दुख हुआ, ठीक है, मानते हैं दुख हुआ, लेकिन इस दुख को इतना नहीं बढ़ाना है कि जो है, समझ सकते हैं आप कि खिलाड़ी सब पे क्या बीतता होगा। और कुछ लोग जो है कि खिलाड़ी सब को ब्लेम करते हैं, होता है ना कि खिलाड़ी सबको जो है बोलते हैं कैसा खेला। अरे वो लोग देशद्रोही हैं जो ऐसा बोलता है इंडियन टीम के बारे में। इंडिया हमारा देश है तो इंडियन टीम भी तो हमारा क्या है, तो देश का ही टीम है ना। उसको भला बुरा बोल देता है लोग, जब जीतता है तो तब एंटरटेन करता है एकदम पूरा। विराट कोहली तो ये है, सूर्य कुमार तो ये है, हीरो है, सब फलाना रेन का ये वो बहुत कुछ। और जब हार जाता है मैच, देखिए उल्टा पुल्टा बोलना चालू, तो हम लोगों को ये सब नहीं बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, इंटरटेन किए मैच देखे, और इतना दिन से इंटरटेन करते आ रहे थे, शुरू से जीतते आ रहे थे, इन्जॉय हंसते आ रहे थे, आज नहीं वो हार गए भाई, क्या दिक्कत है, कोई बड़ी बात नहीं। सबको ऐसा ही सोचना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, हार जीत का खेल है, हम लोग हार गए, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई हारेगा तभी तो कोई जीतेगा, भारत हारा तो इंग्लैंड जीता, इंग्लैंड हारता तो भारत जीतता, तो दुख है ऐसा नहीं है, लेकिन कि अपने खिलाड़ी सबको जो है ब्लेम नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कर रहे हैं, खास करके मनीष कश्यप जो है अपने आप को बोलते हैं कि हम पत्रकार हैं, हम सुधारते हैं, क्या क्या दिखाते हैं। ठीक है, समाज सेवा है, समाज सेवा कर रहे हैं आप, बहुत गलत काम को दिखाते हैं, उसको रिवील करते हैं, उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तरीका तो सही नहीं है आपका भी कि इंडियन टीम के बारे में। अब उस दिन विराट कोहली के बारे में सब बोल रहा था बढ़िया, हाँ बाप या पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान का तो बाप है, ठीक है, हम लोग भी इंजॉय करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अपने देश के खिलाड़ी को आप जो है बोलते हैं कि ये लोग तो मतलब देशद्रोही वाला काम करते हैं। मनीष कश्यप कुछ इसका कुछ ठीक नहीं लगता हमको, इसका बोली चाली, हाँ वहीं तक ठीक लगता है हमको, जो कुछ जो अच्छा करते हैं उधर जो। अब इस तरह का जो बात खिलाड़ी पे बोलते हैं, ये तो ये लोग तो ड्रीम इलेवन बनाने में है, ये लोग तो पैसा कमाने में है, ये लोग खेलता, आप देखिए उसको कि कितना उन लोग भी कितना टेंशन में था, कितना प्रेशराइज मैच होता है, किस तरह से खेला। नहीं, उन लोग खुद दुख था, वो लोग तो रोने पर आ जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गाली दे देते हैं, वो तो रोने भी आ जाते हैं। सोचना चाहिए मनीष कश्यप जी, आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अपने देश के खिलाड़ी के विषय में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ज़रा सोचिए अपना देश के, आप किसको गाली दे रहे हैं, अपने देश को गाली दे रहे हैं ना आप, अपना देश के खिलाड़ी को गाली दे रहे हैं, या तो कुछ उसके शब्द मगर आप शब्द ही बोल रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव बात बोल रहे हैं, तो अपने देश के बारे में ही नेगेटिव बात बोल रहे हैं ना, तो ज़रा सोचिए। तो अपना देश के बारे में नेगेटिव बात नहीं बोलना, जो हुआ ठीक हुआ, अच्छा खेला अपना खिलाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हरा फिर हम लोग का दूसरा बांग्लादेश के साथ सीरीज चालू होने वाला है, और सब कंट्री के साथ जो है सीरीज चालू होने वाला है, उसमें एंजॉय करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे होता रहा, हर साल मैच होगा, हर साल हार जीत होगा, हर साल कुछ ना कुछ होते रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का जो अपना देश का खिलाड़ी है बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खेला है, ठीक है, बहुत अच्छा खेला, नहीं जीता कोई बात नहीं है, लेकिन खेला बहुत अच्छा, हम लोग उसके साथ हैं, बस हम लोगों को अपने खिलाड़ी के साथ रहना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। ठीक है, चले भाई, यही कहना है मनीष कश्यप जी, अभी फालतू वाला वीडियो मत बनाइए, ठीक है, कि जो इंडिया के खिलाड़ी को ब्लेम मत करिए। इंडिया के खिलाड़ी ब्लेम करने का मतलब क्या हुआ, आप इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं आप जी, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई, इसका मतलब इंडिया को ही गाली दे रहे हैं, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। मनीष कश्यप जी, हम आपका नाम लेके बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो वीडियो, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छा लगा तो, ठीक है ना, चलिए भाई, जय हिंद।